वही हल्द्वानी में राजनीतिक दल द्वारा बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल यह कांग्रेस नेता ने राजनीतिक दल द्वारा बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाने की शिकायत सहायक रिटर्निंग अधिकारी से की थी, जिसके बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मामले की जांच करते हुए संबंधित पार्टी को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर पार्टी के पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है और माननीय सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से भी उसमें हमें शिकायत की कॉपी मिली थी। उसमें ये कहा गया है कि नैनीताल रोड पे एक पार्टी विशेष द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में संचालन किया जा रहा है और वहाँ से कॉल्स की जा रही हैं और वो आचार संहिता की परिधि में आता है, तो उसी के दृष्टिगत संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को 48 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस इश्यू किया गया है।